एनी टाइम हम लोग डर वाला जिंदगी जी रहे हैं। 19 ब्रांच है, 1900 ब्रांच के एक एक अधिकारी चोर हैं, एक एक इस तरह का हम लोग को झेलना पड़ता है अपने घर के सामने। घर में समझिए कि लगता कब किस टाइम में कौन आके क्या बोल के चला जाएगा, हम लोग को पता नहीं है। जितना चोरी किया है लोग, जितना चोरी बेमानी किया है, हर एक खाका खोल दिए हम लोग। क्या नहीं कर सकते हम लोग इसका दर्द। किसी का बेटी का शादी रुका हुआ है, यहाँ गरीब मर रहे हैं, 2000 से ज्यादा लोग सुसाइड कर लिए हैं। इंडिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंडिया के जोनल ऑफिस के समक्ष इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में लोग जो है यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के जो अब भी अड़े हैं, लगातार इन लोगों की मांग जो है जारी है, पर इनकी मांगों पे कोई गौर नहीं किया जा रहा। वहीं कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इन लोगों पे आक्रोश भी दिख रहा है। वहीं हम महिलाओं से बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। लगातार केस मुकदमा भी चल रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग अपनी इंसाफ की लगातार गुहार कर रहे हैं, अपने पैसे की वापस मांगने की काफी गुहार कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सरकार गूंगी, अंधी, बहरी, सारी हो चुकी है, गौर नहीं फरमा रही है आपकी बातों पे। कोई बात को सुनिए नहीं रहा है सर, कोई नहीं सुन रहा है। कहीं भी जा रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, फायर कर रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कतें हो रहा है। पार्टी घर पर आन के लड़ाई मारपीट कर रहा है सर जी। हाँ, किसी का बेटी के शादी के लिए दिन रखा हुआ, वो कट जा रहा है। लगातार कितना दिन गुजर गया? गुजर गया दो ढाई साल गुजर गया है, 2.5 साल जी। कितनी समस्याएं? बहुत समस्या हो रही है पैसा के लिए। पार्टी एकदम घर पर, हम नहीं जानते हैं, हमको पैसा दीजिए, आप लोग जमा किए हैं, अब हम लोग कहाँ से भरेंगे, सब पहले बताइए। यहाँ पे हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम पंडरा रातू रोड से आए। आपका कितना पैसा है इस पर? मेरा भी बहुत पैसा है, कम से कम 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख से पैसा? हाँ। वो साल भर की बोले या फिर काफ़ी दिनों की मेहनतें जो होती है, लोग उसमें पूंजी बनाकर जमा करते, लेकिन सहारा कहीं ना कहीं लोगों को बेसहारा कर दिया। हाँ, दम सहारा बेसहारा कर दिया है। लेने समय तो सबको को अपना जमा पूंजी निकालिए, लाइए, जमा कीजिए, बेनिफिट में लालच दीजिए शुरू में, लालच देने जब पैसा सबका पुर गया है तो पैसा ही नहीं रहा। क्लाइंट जितना हम लोग का जितना बात आके घर पर बोलता है, हम लोग उतना ब्याह भी नहीं कर पाते हैं। जिस तरह का हम लोग को झेलना पड़ता है अपने घर के सामने, घर में समझिए कि लगता कब किस टाइम में कौन आके क्या बोल के चला जाएगा, हम लोग को पता नहीं है। एनी टाइम हम लोग डर वाला जिंदगी जी रहे हैं। आप लोग हर थाना में जाके FIR दर्ज किए? हाँ, अभी तक कुछ कुछ नजर भी नहीं कुछ रहा भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। एक महीना का हम लोग को टाइम दिया गया, हम लोग एक महीना बाद फिर यहाँ आके हम लोग बैठे हैं धरना पे। अब क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? यही उम्मीद करते हैं किसी तरह करके हम लोग का पैसा दिला दिया जाए। लगातार 1.5 साल से आप उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, इस बार तो देखिए क्या होता है। अब हम लोग का जितना हम लोग कोशिश करना है अभी तक तो कर ही रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। कोशिश में यही है कि हम लोग को पैसा मिल जाए। सरकार से हम लोग बार बार यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग को पैसा दिला दिया जाए। हम लोग का हक का कमाई है, किसी का लूट के हम लोग चोरी कर चमारी करके नहीं लाए हैं, सबका घर से हम लोग मांग के लाए हैं। हम लोग का विश्वास मार्केट में जमा हुआ था। कहीं आप लोग को भी रास्ते चलते हुए बहुत बोले तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है कहीं जान से मारने। हाँ, एकदम घर मतलब हम बता नहीं सकते, हम लोग इसका बोले तो बयान नहीं कर सकते हम लोग इसका दर्द। किसी का बेटी का शादी रुका हुआ है, कोई गरीब बुजुर्ग है, वो लोग अपना पैसा के बुढ़ापा के लिए जमा किए थे, अब का बेटा घर से बाहर निकाल देगा, कहाँ जाएगी लोग? पैसा ऐसा चीज़ है कि सबको का सहारा है। तो जैसा कि आपने सुना कि सहारा जो है अब लोगों को बेसहारा करता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों की उम्मीद जो है अब सारी पानी फिरती हो गई है, क्या कहेंगे। लगातार 1 से 1.5 साल लगातार आप लोग की कोशिशें रही है कि सहारा इंडिया आपके पैसे लौटा दे। कई लोग खुदकुशी कर लिए, कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, कई लोग मौत के घाट उतर गए हैं। करीब 2 साल से तो रांची जोन में भुगतान नहीं हो रहा है, हो रहा है कुछ दबंगों का हो रहा है, कुछ अधिकारी पूरे अधिकारियों का, रांची जोन में जितने भी अधिकारी हैं परसेंटेज लोगों का भुगतान हो चुका है, उनका, उनके परिवार का। 1-2 महीना पहले जोनल चीफ बोले थे 1 महीने के बाद आप लोगों को कुछ आंसर मिलेगा, भुगतान का समय तिथि बताया जाएगा। उनको पता था, भाग गए। आज उनके भाई मर गए, यहाँ जितने भी RM 3-4 RM हैं और भी अधिकारी हैं, कोई ना कोई उनका मर गया। यहाँ गरीब मर रहे हैं, 2000 से ज़्यादा लोग सुसाइड कर लिए हैं, उसके विषय में कोई देखने वाला नहीं है। ये चचेरा मर गया, जान रहे थे कि हम लोग पैसे के मांग के लिए आएंगे, हम लोग कोई झगड़ा झंझट करने नहीं आए, सिर्फ बात करने आए थे। हम लोग को रास्ता बताइए, क्योंकि काम आपने करवाया था, गरीबों को पैसा कैसे मिलेगा। आज ये लोग भाग गए, अब बोलते हैं कि नहीं बात नहीं कर सकते, अंदर से जाके देख लिए, ताला बंद कर दिया गया। अपने ऑफिस में आने के लिए हमको आज परमिशन लेना पड़ता है कानून से। मतलब प्रशासन भी क्या देखती है, क्या समझती है। खैर ठीक है, वो अपना काम कर रही हैं, तो हम भी उसी तरीके से आए हैं।
लेकिन अंदर से ताला बंद है। हम लोग को ताला बंद कर दीजिएगा तो हम लोग बात किससे करेंगे? कहने की बात भी नहीं करने दिया जा। नहीं, बात करने के लिए है नहीं, हिम्मत ही नहीं बात करने का इन लोगों को, क्योंकि इन लोग का हर एक किट्ठा खाका हम लोग खोल दिए हैं। जितना चोरी किया है लोग, जितना चोरी बेमानी किया है, हर एक खाका खोल दिए हम लोग, पूरा जनता के सामने ला दिए हैं। अब ये लोग क्या बात करे, किस मुंह से बात करेगा? ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी अधिकारी, रांची में 19 ब्रांच है, 1900 ब्रांच के एक एक अधिकारी चोर हैं, एक एक। सबसे बड़ा तो यहाँ का जो एनके पाल और सतीश सिंह था, अपना अपना पैसा भी 3 महीने पहले अक्टूबर में 67 लाख रुपए लेके यहाँ से निकल गया अपना रांची जोन से, और यही अधिकारी सब निकाल के दिया है, क्योंकि इन लोग का भी निकला और अभी भी निकाल रहे हैं। ये जोनल चीफ भी आए बेगूसराय से, ये भी अपना निकालने के लिए ही आए हैं। लगातार आप लोग की प्रयास रही है, अब जो है अभी आप लोग ऑफिस के समक्ष जो है बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अधिकारी से, लेकिन वो ताला मार के अंदर बैठे, क्या कुछ कहेंगे, किसकी लापरवाही देखते हैं? इसमें सारे अधिकारियों की लापरवाही है कि पहले हम लोग बिजनेस करने के लिए आते थे, 2000 के हुजूम में आते थे हम लोग, अब चंदन का टीका और माला पहना करके स्वागत किया जाता था। उस समय खाना उना सब खिलाया जाता था, चिकन मटन सब चलता था। आज देख लीजिए, आप अपने भुगतान के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं कि भुगतान कब से कीजिएगा, और आज ताला लगा करके बैठे हुए हैं। हम लोग को घुसने के लिए नहीं दिया गया, हम लोग खुलवाने का बहुत प्रयास किए, चीफ साहब को रिंग भी किए हैं, फ़ोन भी किए हैं, तो कुछ लोगों का तो फ़ोन भी उठाए हैं। उनका कहना था कि कोई एक्सपायर कर गया है इसलिए हम लोग नहीं आ सकते हैं। जो आंदोलनकारी है, अच्छा आज 1000 से 1500 लोग एक्सपायर कर गए हैं, सुसाइड कर लिए हैं, उनके लिए आप क्या कर लिए? हम तो पूछना चाहेंगे उनके लिए क्या किया। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से अब आप, क्योंकि डेढ़ साल देखिए सरकार से यही देखिए सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बात को सुना जाए और एक मंच में बैठा कर करके भुगतान का समस्या को सॉल्व किया जाए, सबसे पहला चीज़। नहीं तो वर्तमान सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है उससे लाइसेंस लेकर के सोसाइटी का संचालन हो रहा था जो अमित शाह के पास है, ठीक है। आज ये वो अमित शाह कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं, हमको उनसे गिला शिकवा नहीं है, हमको गिला शिकवा है वर्तमान गवर्नमेंट से, जो कि भुगतान लाइसेंस तो देती है मगर उसका ये आपका सर्वे करवाना भूल जाती है कि भुगतान हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी लोग जो है इसी उम्मीद पे टिके हुए हैं कि उनके पैसे जो है उनको वापस दे दिए जाएंगे, पर इस बात से बेखबर सरकार अभी भी अपने कान पे तेल डालकर सो रही है, और यहाँ पे लोगों का जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है कि उन लोगों के पैसे जो है उन लोगों को दे दिए जाए। कोई अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे जमा कर रहा था, कोई अपनी जमा पूंजी पे जमा कर रहा था, पर सभी का पानी जो है डूबता, सभी का पैसा जो है पानी में डूबता नज़र आ रहा है। सहारा जो है लोगों को बेसहारा कर कर ही छोड़ा है। जैन भारत से नेहा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।